क्यों आए हैं? मैं मंदिर बनने से पहले देख ले। दे देंगे। क्या नौटंकी है, सभी दिल जले हैं। केजरीवाल तेरा बेड़ा गरक हो गया। Hey guys, welcome back to my channel. Guys, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम साथ में मिलकर रिएक्शन देंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूले और सब्सक्राइब करना मत भूले इस चैनल को। सो स्टार्ट कर दो वीडियो। तो करो ना भाई, लेट्स स्टार्ट। मेरे सपने में शाहजहां है तो उसके सोच में शाहजहां की मेरे से कह रहा कि भाई कोई बढ़िया सी जगह घुमा दे, मैं ताजमहल ले गया उसे। वो ताजमहल देखे कह रहा कि भाई ऐसा तो मेरे पास भी है, मैं कहा तेरा ही है। फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं कहा मंदिर बनने से पहले देख ले। ये बढ़िया था गुरु, ये बढ़िया था गुरु। जय महाकाल मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को, बहुत बहुत स्वागत है मेरे सनातनी परिवार के सभी सदस्यों का आज के इस एक और नए चलचित्र। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगाइए, और साथ में भी बताइए कि आप कहां से मेरा साथ दे रहे हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते। A few moments later. भाई मुझे माफ कर दो, भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से आज बहुत कभी नहीं बोलूंगा। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। क्या नौटंकी है, भाई भाई हम कहां से टिकट देते हैं? हम तो गठबंधन में टिकट दे दे करके हम खुद ही धोखा खा रहे हैं बैठ के। दिल जले। अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आग दिखा रहा है। सोचो आप ना, हम क्या करें बताओ। अरे लाले, हाँ तो सारे ही दिल जले। क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। Hey, I'll come look at this. आपके मैसेज पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। अच्छा, मैं आप सबके मैसेज को जेल में देकर आऊंगी। इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है समरिया, 8297 समरिया 324624। ठीक है। A few moments later. आप आएगा तो मोदी ही। आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार। मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वा दूंगी और सूचना दूंगी। सुनीता केजरीवाल, ये मैं इमोशनल डैमेज। पप्पू जी सुनिए ना, आपका आपका चेहरा तो एक खुली किताब है, आपके तो चेहरे पे दिख रहा है जो दिख रहा है। दुनिया से आप चाहते थे ना सर, अब अचानक आपको भी शायद जानकारी तो थी नहीं सर पहले कि बीमा भारती जी को उम्मीदवार बना दिया जाएगा। जी मुझे तो कभी ये उम्मीद भी नहीं थी, मैं तो परेशान नहीं था दिखे। और ऐसे समय में जब एक परिवार की तरह मैंने तेजस्वी जी से भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री आप बनिए, कि हम लोग एक परिवार की तरह अब आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ ये तो मुझको नहीं जानकारी। पप्पू जी आप यही कह रहे हैं ना कि आपको स्नेह दिखाया, उनकी पत्नी ने आप दोनों की फोटो भी डाली, लेकिन उसके बाद आपकी सीट को लेकर धोखा हो गया। अरे यही परेशानी है कि हम परिवार के बीच तो विश्वास करनी चाहिए। हाँ इन सब पढ़ते हैं हम, बापू गांधी ने जो हमें पढ़ाया, क्या पढ़ाया था कि जब एक गाल पे कोई थप्पड़ मारते दूसरा आगे कर दो। बहुत बकवास थ्योरी थी, सच में बहुत बकवास बात कही आपने, बिल्कुल सहनीय नहीं है ये बात। एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दीजिए, एक काम करिए कि अगर आपकी एक बहन को कोई भगा कर ले जाए दूसरे को भी उसके नाम कर दीजिए, जाइए अहिंसा हम मारेंगे नहीं, क्योंकि आप हमारी एक बेटी को भगा कर लेकर आप दूसरी भी भगा कर ले जाइए, अहिंसा का हम पालन करेंगे, हम कोई मारकाट नहीं करेंगे। अरे इतना रखिए कि आपकी बहन बेटी की आबरू पर कोई हाथ डाले तो उसको हाथ को काट दो,
श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से क्या कहते हैं कि अगर इन कौरवों का एक अंश मात्र भी, एक बीज मात्र भी तुमने छोड़ दिया तो वो बीज बड़ा होगा, पेड़ बनेगा और उसकी शाखाएं, अधर्म की शाखाएं फिर फैलेंगी। तो बीज मात्र को भी काट दो। हमें अहिंसा पढ़ाया जाता है, तो अहिंसा का सही अर्थ क्या है? अहिंसा का सही अर्थ ये है कि अगर कारण नहीं है, अगर कारण नहीं है तो एक चींटी को भी फूंक मारना अहिंसा है, और अगर कारण है तो लाखों लाख आदमियों का वध करना भी अहिंसा है। तो हिंसक नहीं था अर्जुन, अर्जुन ने अहिंसा करी थी। भीम हिंसक नहीं था, उसने अहिंसा करी थी। तो सब ये सब अहिंसावादी लोग थे। सोच से अहिंसा होना है। पता क्या हुआ है? आप रो रहे हो भाई साहब। 2000 वो 200 रुपए वाली लैट्रिन में अगर है, 1.5 लाख में अगले वाला केजरीवाल तेरा बेड़ा गरक हो गया चाचा। ना तीन मेरा ना तेरा लेना। पता क्या कह रहा था इसके नेता? कहते थे केजरीवाल बंद होगा तो सुनामी आ जाएगी। क्या कह रहे? केजरीवाल एक सोच है, व्यक्ति नहीं है। क्या सिराजीत बेच रहे हैं क्या आप लोग? केजरीवाल एक सोच है तो मुख्यमंत्री कौन है? अन्ना हजारे। अरे अगर केजरीवाल सोच है तो हट दो, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। कितना हराओ 80 में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने अखिलेश को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा ये आजम खान ने जेल से तय कर दिया और अखिलेश बस देखते ही रह गए। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्ला नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम रजा ने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। तो सिर्फ मुरादाबाद नहीं, रामपुर में भी पेट फंसा है। समाजवादी पार्टी पर सवाल भी खड़े कर रही है कि आप हराने की बात तो कहते हैं लेकिन कैसे हराएंगे जब अपनी पार्टी में द्वंद चल रहा है? भाई हम कहां से टिकट दे दें? हम तो गठबंधन में टिकट दे दे करके हम खुद ही धोखा खा रहे हैं बैठ के। अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आग दिखा रहा है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? प्रेमिका ने प्यार से चोभ दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा। प्रेमिका ने प्यार से चोभ छू लिया तेरे वास्ते है सोने जैसा। प्रेमिका को सिद्ध मानो प्यार को भी स्वर्ग जानो, प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। ये राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आती है। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम तो बाहर से पढ़े हैं, लोग ज्यादा हमारी हुआ तो पिक्चर बना रहे हैं अपनी यार। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई जनता का अपार समर्थन तो कांग्रेस की। पहले इज्जत तो करो, पहले तो जनता की इज्जत करोगे जनता तुम्हारे साथ चलेगी। नहीं मिलेगा 20% मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। राहुल गांधी तो कहते हैं जीरो नंबर बेचे जाके, वो तेल बेचे जाके जीरो बेकार। किस चीज का तेल बेचे? अरे वो किसी चीज का बेचे, वही उसके में बचे आखिर वही बेचेगा। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, थोड़ा सा मार दीजिए। तो भाइयों बहनों कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, अपने भाई बंधुओं के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। हमेशा की तरह ये वीडियो भी इन्होंने बहुत अच्छी बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। और 2-3 पार्ट तो इस वीडियो के काफी अच्छे थे। सबसे पहला तो वो जो ताजमहल वाला जोक था वो बहुत अच्छा था, स्टैंड अप कॉमेडियन ने बिल्कुल मतलब बिल्कुल निशाने पे मारा है। और सेकंड वो जो वो लेडी कह रही थी हिंसा अहिंसा का जो मतलब बता रही थी कि जरूरी नहीं है हमेशा अपना आप हिंसक रूप ही दिखाएं और जरूरी नहीं है आप हमेशा अपना अहिंसक रूप में ही रहें। जैसे गांधी जी ने कहा था कि कोई एक चाटा आप कोई एक गाल पे चाटा मार रहा है तो दूसरा गाल भी उसके सामने रख दीजिए। ये आज के ज़माने में ना तो हमें लगता है ना आप लोगों को भी लगता होगा कि भाई ये चलने वाला है सीन। तो अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो वहाँ पे अहिंसा का नहीं हिंसा का उपयोग करना जरूरी है, नहीं तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। हमेशा चुप बैठे रहना भी हर बात का सलूशन नहीं होता है।
अगर समाज की भलाई के लिए या परिवार के अच्छे के लिए कोई इंसान अगर हिंसा का यूज करके सोल्यूशन निकालता है तो वो इंसान बुरा नहीं है। अहिंसा सोच में भी होनी चाहिए और सोच में होनी ही चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो पार्ट तो भाई बहुत ही फनी था कि लाख दो लाख रुपए की टॉयलेट सीट यूज करने वाला 200 रुपए की टॉयलेट सीट यूज कर रहा है, वो बहुत सही था। और सेकेंड वॉक अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई अपनों को टिकट दे दे के हम तो धोखा खा रहे हैं, जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं वही हमें आंख दिखा रहे हैं। भाई यही होती है दुनिया, सीट का कुर्सी का सीन है, इतना इजी नहीं होता है पॉलिटिक्स। और भाई हमारे राहुल गांधी जी उर्फ पप्पू, उनकी तो जब तक उन पे कोई जोक ना बने कोई वीडियो कंप्लीट ही नहीं होती है। और जनता ने तो भर भर के कॉमेडी जोक्स मार डाले भाई, जाएगा मेल तेल बेचने, और ये सब बहुत मतलब बहुत ही फनी था, मजा आ गया देख के। और तो चलो गाइज इसी रोड पे मैं एंड करती हूँ वीडियो को। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।